लर्नर का एटीट्यूड और लर्नर का एप्टीट्यूड, मैं इनकी भी संक्षेप में बात करता हूं। एटीट्यूड दो तरह का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करता है, जो उसके सामने आने वाले अनुभवों में, उदाहरणों में सकारात्मकता ढूंढता है, जो लोगों की केयरिंग करता है और लोगों को अनसेल्फिश बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हमेशा दुनिया के साथ, अपने चारों ओर के परिवेश के साथ शांति की बात करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि उनमें सकारात्मक एटीट्यूड हो। देन निगेटिव एटीट्यूड दूसरे तरह के लोग हो सकते हैं। निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड में हम लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं चीजों को, डिसएग्रीमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है या दूसरे कन्फ्रंटेशंस होते हैं। आप ऐसे लोग प्रिजुडिस जनरेट कर लेते हैं, खासतौर पर दूसरों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं, उनके प्रति ज्वेलसी की भावना उनमें प्राकृतिक रूप से जन्म ले लेती है। ऐसे लोगों में एक आदत होती है कि वस्तुओं को, लोगों को, स्थानों के साथ जब वो इंटरेक्शन कोई करे तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस रखें, वो अपने अनुभवों को भी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो शायद यदि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते तो एक बड़े विजन में वो एनलार्ज हो जाता। तो दोनों तरह के बालक हो सकते हैं। एटीट्यूड में तीन तरह के कंट्रीब्यूटर्स हैं। एटीट्यूड डेवलप करते हैं पेरेंट्स, एटीट्यूड डेवलप करते हैं स्कूल टीचर्स और पीयर्स, और एटीट्यूड डेवलप करते हैं बच्चे के अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस। माता पिता का कैसा एटीट्यूड है अपने जीवन को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने बुजुर्गों के प्रति अपने व्यवहार को लेकर, वो बच्चों में सीधे जाता है। जैसा माता पिता अपने समाज के साथ, अपने काम के साथ, यदि माता पिता बहुत मेहनती हैं तो बच्चे देखते हैं, समझते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। विद्यालय में विद्यालय का कैसा एटीट्यूड है, शिक्षक टीचर्स का, शिक्षकों का कैसा एटीट्यूड है, उनके संगी साथियों का कैसा एटीट्यूड है, ये सब एटीट्यूड बच्चे के एटीट्यूड में कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। और बच्चे के अपने सांवेगिक अनुभव, कई बार बच्चे के साथ घटने वाली कोई घटना भी उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस को चेंज कर देती है और वो उसके एटीट्यूड में परिवर्तन ले आता है। एटीट्यूड कैसे विकसित होता है, एक्सपोजर से। जब हम किसी को एक्सपोजर देते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग साथ साथ सीखने की में मदद करते हैं। बच्चों का जो अपना परसेप्शन है, सेल्फ परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ और ओन बिहेवियर, वो भी एटीट्यूड को जन्म देता है। और अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, किस स्तर तक सेटिस्फाई करते हैं, यह भी हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में मदद करता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड भी है। अब हम अगली बात करते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लर्नर्स। एवरीवन हैज सम स्पेसिफिक एबिलिटीज इन सर्टेन एरियाज। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता होती है। हम कई बार इसके साथ इंटरेस्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके इसमें रुचि ज्यादा। आपकी रुचि किसी क्षेत्र में हो सकती है, आपका एप्टीट्यूड उस क्षेत्र में हो भी सकता है और नहीं भी। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंगिंग, बट व्हेन आई ट्राई टू सिंग आई डोंट हैव दैट एबिलिटी। आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन माई वॉइस मॉड्यूलेशन। I don't have control on my throat, then it means I don't have that aptitude, but I have interest. So interest and aptitude are two different things. So never get confused with interest. किसी भी क्षेत्र में सफल होना केवल आपकी रुचि पर निर्भर नहीं करता। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी क्षेत्र में रुचि तो होती है, लेकिन जब वो उस क्षेत्र में काम शुरू करते हैं तो कई बार वो उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस क्षेत्र में काम करने के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, जो अभिक्षमता चाहिए। देखिए, हिंदी में एप्टीट्यूड को अभिक्षमता कहते हैं और इंटरेस्ट को अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि और अभिक्षमता में अंतर है, दोनों एक नहीं है। तो वह एप्टीट्यूड का रोल होता है।
एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट एक नहीं है, यह आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न उठता है, एप्टीट्यूड आखिर है क्या? एप्टीट्यूड इनबॉर्न नहीं होता केवल, एप्टीट्यूड आपकी इनबॉर्न कैपेसिटीज और आप जो कौशल जो योग्यताएं अर्जित करते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है जो व्यक्ति में किसी भी समय होता है और जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप देखिए, आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं एडमिशन के लिए तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, मेडिकल का एग्जाम एंट्रेंस देते हैं मेडिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप में वो अभिक्षमता है या नहीं, आपका इंटरेस्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, उस पर्टिकुलर वोकेशन में, उस पर्टिकुलर एरिया में, बट इफ यू डोंट हैव एप्टीट्यूड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया इफ यू डू नॉट हैव पर्टिकुलर लेवल ऑफ एप्टीट्यूड फॉर दैट एरिया। सो यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लर्नर। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ योर लर्नर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ योर लर्नर, you need to understand the level of motivation in your learner, you need to understand the attitude and aptitude of your learner, all these are equal contributors for learning. Aptitude kya hai? Aptitude aapke andar gyan aur kaushal ko kisi kshetra mein prapt karne ki essential abilities ka set hai. Ye koi ek ability nahi hai, ye ek special ability hai. ये व्यक्ति के संभावित विकास को प्रेडिक्ट करने में मदद करती है। ठीक, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सेंसरी कंपोनेंट्स एंड साइकोमोटर कंपोनेंट्स।